राजू दाजी अस्पताल, जिस प्रकार से चारा पुत्र उप मुख्यमंत्री बिहार के चारा चोर का बेटा ये कहे कि हॉस्पिटल बना दो, तो जितना उन्होंने लूटा क्यों नहीं बना देते? उनके पास पैसे कौन कभी है? एक समय हुआ करता था, मैंने एक फोटो देखी, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि राबड़ी देवी जी चूल्हे पे खाना बना रही थी, बाबा ट्विटर पे हैं, हाँ ये अगल बगल थे और वो बाबा, खाटी, बाबा, बाबा, वो खाट पे बैठकर, बाबा जी ट्विटर पे हैं, क्यों नहीं ट्विटर पे हैं? अरे क्या बात, क्यों नहीं ट्विटर पे रहना चाहिए? हर व्यक्ति को डिजिटल क्रांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो अभी ये भी कहता हूँ, अब तो वो वक्त आ चुका है, अभी कह रहे थे पूज्य स्वामी जी कि 500 वर्ष अगर ऐसे चलता रहे तो फिर कृष्ण जन्मभूमि लेने में हमको 1000 वर्ष लग जाएगा, ऐसा ही चलता रहा तो फिर काशी तक हमको पहुंचने में 1500 वर्ष लग जाएगा। सर्वे पर रोक लग गई है वहां पर, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अमन जी मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, आने वाले दिनों में सनातनी जग चुका है, ऐसे जब कथावाचक रोज सिर्फ कथा ठीक है भगवान की महिमा का गुणगान करिए, लेकिन भगवान ने कैसे दुष्टों का संहार किया ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ये लोग अब जानने लगे हैं, मैं तो कहता हूँ अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000 और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी अक्रांता का नहीं बचेगा एक भी मजार। नहीं 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 नहीं, नहीं बात अरे नंबर तो 30 का 40,000 संविधान तरीके से, संविधानिक तरीके से, हम तलवार के बल पर किसी को सलवार तो नहीं पहलाया, हम तो आस्था के बल पे ले रहे हैं ना, हम तो संविधान के बल पे ले रहे हैं ना, हम तो कलम के बल पे ले रहे हैं ना, हम तो लड़ के ले रहे हैं ना। अभी क्या पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, फिर मिला क्या? बताओ हमारे भगवान को तुम सीढ़ी में दबा के रखे हो, कोई बोल पा रहा क्या? स्वामी जी चिल्ला रहे, आज अगर किसी अन्य मजहब की बात होता एक मिनट में गला कट जाता है, क्या बात करते हो? हमने तो कहा संविधानिक तरीके से ले गए, जबरदस्ती लेना होता क्या अध्यक्ष के लिए इतना दिन तक क्या? देवकी जी अयोध्या के बाद उम्मीद जगी है मथुरा को लेकर, मथुरा शाही ईदगाह काशी ज्ञानवापी, तो क्या उम्मीद जगी है या आपको लगता है अयोध्या के बाद एक सांप्रदायिक सौहार्द वाला माहौल रहेगा और ये चीजें कोर्ट से ही होंगी सपोर्ट से नहीं होंगी? देवकी नंदन जी देखिए मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है हम लोग मर्यादा में बड़ा ध्यान रखते हैं और हमारी मर्यादा यह है शास्त्रों की कि पहले राम जी आए थे उसके बाद कन्हैया आए थे, रामलला 22 को आ रहे हैं और उसके बाद कन्हैया आने की तैयारी में लग गए हैं और ये सच है। हम लोग शास्त्रीय लोग हैं, शास्त्रीय विधान को फॉलोअप करते हैं, संविधान को फॉलो करते हैं। जैसे रामलला को संवैधानिक तरीके से अयोध्या में 22 जनवरी को लाया जा रहा है जी, वैसे ही मथुरा में भी कन्हैया को संवैधानिक तरीके से लाया जाएगा, जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे से केशव देव भगवान को भी लाया जाएगा, संवैधानिक तरीके से लाया जाएगा। 3 जगह से पहले सनातनी रथ नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। प्रेम शुक्ला, सवाल ये कि जब अयोध्या का कोर्ट से हुआ तो कहा गया कि एक मौका था सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने का, दे दी जाती, कम से कम अयोध्या कोर्ट से हुआ, काशी मथुरा सपोर्ट से नहीं होना चाहिए? देखिए काशी मथुरा तो मिलना ही चाहिए, अगर ओवैसी को यह कहने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कहता है कि हम बाबर को याद रखेंगे, बाबरी को याद रखेंगे, तो महंत राजू दास को और आदरणीय देवकी नंदन जी को भी अपने सारे मंदिरों को प्राप्त करने के संदर्भ में खुलकर ऐलान करने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये, ना काशी ना मथुरा ना अयोध्या, हम उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर बाबर की औलादें राजनीति करने उतरेंगी तो राजनीति भगवान श्री राम ने भी की थी और चक्रधारी सुदर्शन ने भी की, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण ने भी की थी। तो फिर बाबर प्रेमियों का 22 जनवरी के बाद हृदय परिवर्तन होगा या नहीं होगा? बाबर प्रेमियों का 22 जनवरी के बाद अगर हृदय परिवर्तन नहीं होगा उनका, तो उनका जो है समग्र परिवर्तन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आपको लग रहा है 22 जनवरी के बाद चीजें बदलेंगी? बैठे बिल्कुल बदलेगी। देखिए प्रधानमंत्री पीएम होने से पहले हिंदुत्ववादी एक आदमी है, एक हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हैं, तो मोदी की वजह से हो रहा है ऐसा नहीं है, पहले वो हिंदू हैं। संविधान से पहले जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि गीता पे हाथ रख के ओथ ली जाती है, हर देश का प्रधानमंत्री लेता है, हर तरीके से लेता है, तो उससे पहले वो हिंदू हैं, प्रधानमंत्री वो बाद में, तो इसका ये कारण नहीं है।
कि वो प्रधानमंत्री है तो मंदिर में आ नहीं सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। वो उससे पहले हिंदू हैं, हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं, हमारी आस्था को बढ़ा रहे हैं। माता जी कैसा लग रहा है? मैं काशी से हूँ। अच्छा, काशी से हैं। और मैं पिछले 5 महीने से मेरे हस्बैंड यहाँ पे आफ्टर रिटायरमेंट पोस्टेड थे जी। तो मैं आती रहती हूँ और बहुत अच्छी सी फीलिंग लग रही है बचपन से, क्योंकि मेरे घर में मेरे दादा बहुत राम भक्त थे। अच्छा। मतलब हमेशा चौपाइयाँ सुनाते थे जी। सो और परिवार से मैं यहाँ हूँ तो सबको बहुत अच्छा लगता। कुछ सुनाएंगी आप कोई चौपाई? थोड़ा बहुत। हम लोगों को दादाजी बोलते थे कोई भी परेशानी आए तो ये बोले दीन दयाल बीरज संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी। जी हरहु नाथ संकट हारी। जी मैं आ रहा हूँ। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बैठिए 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 एक मिनट। हाँ बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ। हटिए हटिए हटिए। हाँ बताइए बाबा एक मिनट खड़े हो सकते हैं अगर आप। जी बताइए क्या बोलना बताइए। जी ये विषय यही है, सोचा था जीवन काल में क्षण देख पाएंगे। देखिए ये प्रभु की कृपा जो है प्रारब्ध से ही चली आई और चलती रहेगी। ये प्रारब्ध में था, भगवान यहाँ आएंगे और रामलला का यहाँ मंदिर बनेगा तो उनकी कृपा ही बरस रही है। वो कृपा के माध्यम से सब लोगों की मन की स्थिति बदल रही है और जितने भी विपक्ष वाले हैं इनकी मन की स्थिति दशा बिल्कुल सुधार होगी। आपको लग रहा था मंदिर बनेगा, उम्मीद थी हो पाएगा? जी बिल्कुल उम्मीद थी। सबसे पहले राम राज बैठे तिरलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये व्यक्तित्व का मुद्दा है, यह धर्म का मुद्दा है। और जिस पूरे विश्व में अगर कहीं धर्म पाया जाता है तो भारत वर्ष माना जाता है। और जनता जनार्दन अगर मोदी जी को योगी जी को अपने मन से चाह रही है तो इसको हम राजनीति कहकर झुठला नहीं सकते। चलिए मुझे वाइंड अप करना होगा लेकिन जाते जाते 22 जनवरी का मतलब देवकी नंदन ठाकुर जी आपके लिए और 22 जनवरी के बाद क्या बदलने वाला है अगर उसकी अनुभूति आप हमको करा पाए। देवकी नंदन ठाकुर वीर मंत्रा जुदा सुप्रेम शुक्ला छोटा छोटा एक एक मिनट जल्दी से। 22 जनवरी का मतलब है सांस्कृतिक आजादी का दिन। हम आजाद 75 साल पहले हुए थे, 75 साल पहले आजाद हुए थे पर हमारी सांस्कृतिक आजादी नहीं हुई थी। राम के मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है ये हमारी सांस्कृतिक आजादी है जो अयोध्या से मथुरा तक यात्रा करेगी। सांस्कृतिक आजादी मंत्र राजूदास पूज्य महाराज जी ने सही कहा है। आने वाला जो दिन है वो पूरा विश्व सनातन में भगवान में हिंदुत्व में होने वाला है 22 के बाद, क्योंकि 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 भारत आने वाले दिन में लिखा पढ़ी में भी हिंदू राष्ट्र होने वाला है। और पूज्य महाराज जी ने कहा वो गीता से शपथ भी लेने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है प्रेम शुक्ला जी क्या बदलने जा रहा है राजनीतिक रूप से? देखिए महात्मा गांधी जिस राम राज्य को लाना चाहते थे उसको बाबरवादियों ने 75 वर्ष तक लाने नहीं दिया। अब वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम राज संस्थापित हो रहा है और राम राज के बाद सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण का राज आता है और भारत जो है पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बूते राज करेगा ये निश्चित है। इशारों इशारों में शुक्ला जी ने कह दिया अयोध्या झाकी है मथुरा बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी आपका, महंत राजूदास आपका और देवकी नंदन ठाकुर आपका। भाई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अयोध्या वासियों इस खूबसूरत शाम के लिए और आप सभी हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।